Okay. Next up is circular number 69/2018. That is on page number 5 of chapter 1D. Okay. It is quite simple and procedural वाला है. Total 4 या 5 point है जो अच्छे से सुन लेना. अगर मैंने GST में registration लिया हुआ है. So if I am a registered person और मैं registration cancel करवा रहा हूँ. Registration cancellation के लिए section number 29 applicable है. रजिस्ट्रेशन कैंसिल कैसे हो सकता है, या तो मैं खुद अप्लाई कर सकता हूँ रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए, या तो डिपार्टमेंट नोटिस भेज के कैंसिल करवा सकता है. दोनों के एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ. अगर मैंने अपना बिजनेस परमानेंटली बंद कर दिया है, या अमालगमेशन में मैंने अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया है, तो इन दैट केस मैं वॉलेंटरीली अप्लाई करूंगा कैंसिलेशन के लिए. और अगर डिपार्टमेंट को लग रहा है कि मैंने लगातार 6 महीने का रिटर्न फाइल नहीं किया है, सो बैक टू बैक 6 मंथ्स का रिटर्न मैंने फाइल नहीं किया है, या तो मैंने फ्रॉड विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया है, तो इन दैट केस डिपार्टमेंट अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है. सो सेक्शन 29 फर्स्ट पॉइंट है. सेक्शन 29 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए दो ऑप्शन है. असेसी खुद अप्लाई करेगा, या तो डिपार्टमेंट कैंसिल करेगा. असेसी अप्लाई नॉर्मली करता है इन द केस वेयर बिजनेस बंद हो गया है, पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी में कन्वर्ट हो गया, अमालगमेशन डीमर्जर एंड सो ऑन. डिपार्टमेंट कैंसिल करता है अगर रिटर्न्स फाइल नहीं किया, ऑफेंसेस कमिट किया एंड सो ऑन. सो दैट इज फर्स्ट पॉइंट, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. पॉइंट नंबर 2, अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद डिपार्टमेंट बोलता है आपका लाइबिलिटी खत्म नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने सपोज जनवरी में रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया, तो सेक्शन 29 में लिखा हुआ है कि अगर मैंने जनवरी में रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाया और मार्च में मालूम पड़ा असेसमेंट में डिपार्टमेंट को कि मैंने कुछ टैक्स प्रीवियस पीरियड का नहीं भरा है, से अगस्त 2019 का मैंने टैक्स सपोज कम भरा था या नहीं भरा था, या अगस्त 2019 में मैंने ITC ज्यादा ले लिया था, वॉट एवर माइट बी द केस. अगर जनवरी में रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाया, मार्च में डिपार्टमेंट को मालूम पड़ा कि इसका अगस्त का लाइबिलिटी पेंडिंग है, तो डिपार्टमेंट आपका लाइबिलिटी रिकवरी कर सकता है. मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लाइबिलिटी भी खत्म हो गया है. इवन आफ्टर कैंसिलेशन डिपार्टमेंट रिकवरी कर सकता है. दैट इज अगेन इन सेक्शन नंबर 29. तो अभी मैं 29 डिस्कस कर रहा हूँ, सर्कुलर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. 29 का फर्स्ट प्रोविजन रजिस्ट्रेशन कैंसिल कैसे होता है वो मैंने बताया. सेकेंड प्रोविजन, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के बाद लाइबिलिटी खत्म नहीं होता है, लाइबिलिटी स्टिल कंटिन्यूज. अगर कोई डिफॉल्ट नहीं है तो बात अलग है, डिफॉल्ट मिला तो गवर्नमेंट नोटिस भेजेगा. पॉइंट नंबर 3, रजिस्ट्रेशन अगर मेरा कैंसिल होता है तो ITC का क्या होएगा. तो इट इज वेरी सिंपल. सपोज जनवरी में मैंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया और मैंने कोई रॉ मटेरियल परचेस किया हुआ है, मैंने स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो अब जब मैं जनवरी के बाद अनरजिस्टर्ड डीलर हूं, सपोज 1 जनवरी को मैंने कैंसिल के लिए अप्लाई किया और अज्यूम करो 1 जनवरी को सर्टिफिकेट भी मिल गया, तो 1 जनवरी के बाद जब मैं सामान बेचूंगा तो सामान बेचने पर टैक्स तो नहीं भरने वाला. तो अगर टैक्स नहीं भरने वाला हो तो जो जनवरी 1st मतलब प्रीसीडिंग डे 31st दिसंबर को जो भी मेरा रॉ मटेरियल स्टॉक में पड़ा था उसका ITC जो है वो मेरे को रिवर्स करके गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा. तो ये ऑलरेडी अपन ने सेक्शन नंबर 18 में पढ़ा हुआ है, उसका न्यू वर्जन है. सेक्शन 18 में अपन ने पढ़ा था कंपोजिशन डीलर नॉर्मल डीलर बनता है या नॉर्मल डीलर कंपोजिशन डीलर बनता है तो क्या होता है. तो यहाँ पे अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन से अनरजिस्टर्ड पर्सन बन रहा हूं तो जब भी मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन के एक दिन पहले जो स्टॉक रॉ मटेरियल स्टॉक में पड़ा है, रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड्स में पड़ा है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में पड़ा है, या तो कैपिटल गुड्स जो है उसका ITC अपने को रिवर्स करना पड़ता है. ये ऑलरेडी सेक्शन 18(5) का सिमिलर प्रोविजन है. सो 3 पॉइंट मैंने डिस्कस किया. पहला, कैंसलेशन कैसे हो सकता है. दूसरा, कैंसलेशन करने पे टैक्स लायबिलिटी अफेक्ट नहीं होता है. तीसरा, ITC अपने को रिवर्स करना पड़ता है ऑन कैंसलेशन. क्रेडिट में बैलेंस है तो वो यूज करो, नहीं तो कैश में पे करना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज सर्कुलर नंबर 69? सर्कुलर नंबर 69 क्या बोलता है, कैंसलेशन अगर रजिस्ट्रेशन, सपोज मेरे को मैंने अपना बिजनेस अमालगमेशन में ट्रांसफर किया, या मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया, या मैंने पीस मिल फैशन मतलब पार्ट में बिजनेस मैंने बेचा है, वो केस में मैंने अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो लॉफुली मेरे को 30 डेज में अप्लाई करना पड़ता है फ्रॉम द अकरेंस ऑफ इवेंट. तो जो इवेंट है, जैसे मेरा बिजनेस आज बंद हो गया, तो जब बिजनेस बंद हुआ वहां से 30 डेज में मेरे को गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना पड़ेगा फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द अकरेंस ऑफ इवेंट. बट बहुत केसेस में क्या होता है, डिपार्टमेंट वाले को मैं एप्लीकेशन देता हूं, डिपार्टमेंट वाला रिजेक्ट करता है ये बोल के 30 डेज में एप्लीकेशन नहीं हुआ है.
बट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो अकरेंस ऑफ इवेंट है वो डेट प्रिसाइसली डिटरमाइन नहीं हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा जो बिजनेस बंद होता है वो इंस्टॉलमेंट में बंद होता है, तो इन दैट केस 30 डेज काउंट करना कौन से डेट से काउंट करो वो डिफिकल्ट है. तो डिपार्टमेंट क्या करता है, मैंने एप्लीकेशन दिया रिजेक्शन के लिए कैंसिलेशन के लिए, तो डिपार्टमेंट बोलता है 30 डेज में अप्लाई नहीं किया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा. तो क्लेरिफिकेशन इशू किया सर्कुलर नंबर 69 में कि जो 30 डेज का टाइम लिमिट है डिपार्टमेंट को एकदम स्ट्रिक्टली कंसीडर नहीं करना चाहिए, और अगर एप्लीकेशन वैलिड है तो इन दैट केस दे शुड अलाउ कैंसिलेशन. सो अगर मैंने लीगली अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को 30 डेज में अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए, बट अगर कोई केस में कॉम्प्लिकेशन है तो गवर्नमेंट बोलता है डिपार्टमेंट कैन एक्सेप्ट द एप्लीकेशन इवन 30 डेज के बाद हो गया तो. हाउएवर अगर जो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का फॉर्म इनकम्प्लीट है या फिर अमालगमेशन में मैंने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया बट नए कंपनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो ए लिमिटेड अमालगमेट हो रहा है बी लिमिटेड से, बी लिमिटेड ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया और ए लिमिटेड कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो डिपार्टमेंट डेफिनेटली फॉर्म रिजेक्ट करेगा. तो नॉर्मली एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन मस्ट बी मेड विद इन 30 डेज, बट वो 30 डेज का टाइम एकदम स्ट्रिक्टली नहीं लेना चाहिए, डिपार्टमेंट कैन अलाउ इवन बियॉन्ड 30 डेज. हाउएवर दो केस में वो हमेशा रिजेक्ट करेगा, अगर अमालगमेशन में न्यू कंपनी ने फ्रेश एप्लीकेशन नहीं दिया तो, और अगर मैंने एप्लीकेशन जो दिया वो इनकम्प्लीट है तो वो दो केस में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा. सो फर्स्ट क्लेरिफिकेशन इज वेदर 30 डेज का टाइम एकदम स्ट्रिक्टली लेना चाहिए, सो आंसर इज नो, डिपार्टमेंट कैन अलाउ एक्सटेंशन. पॉइंट नंबर टू, अभी मैंने बोला कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो जो ITC अपने पास है वो ITC अपने को रिवर्स करना पड़ता है. ITC रिवर्सल मतलब बेसिकली अपने को टैक्स पे करने का. तो सपोज 1 जनवरी को मैंने अप्लाई किया कि मुझे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का है और मेरे पास 1,00,000 रुपए का स्टॉकिंग ट्रेड पड़ा हुआ है जिसके ऊपर GST 18,000 रुपया है, तो रजिस्ट्रेशन में 18,000 रुपया मुझे पे करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को. आई थिंक समझ रहा है. सो 1 जनवरी को अगर कैंसिल होता है तो जो भी स्टॉक है वो स्टॉक का क्रेडिट मेरे को गवर्नमेंट को पे करने का है, या तो क्रेडिट लेजर या तो कैश लेजर कैसे भी पे करो. अभी क्वेश्चन ये है सर्कुलर नंबर में सेकेंड क्लेरिफिकेशन के एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन करेगा तभी वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा या बाद में भरेगा तो भी चलेगा. तो सर्कुलर नंबर 69 बोलता है बाद में भरेगा तो भी चलेगा. सो बेसिकली एप्लीकेशन 30 डेज के बाद हो सकता है बट डिपार्टमेंट के कंट्रोल में. सेकेंडली ITC रिवर्स करने का है, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का है, बट जिस दिन अप्लाई किया उस दिन पे करना जरूरी नहीं है. गवर्नमेंट क्या बोलता है कि आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको 3 महीने के अंदर अंदर फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ता है GSTR 10 में. तो वंस यू कैंसल दी सर्टिफिकेट वहां से आपको फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इन GSTR 10. तो जब तुम फाइनल रिटर्न फाइल करेगा ना तब गवर्नमेंट बोलता है टैक्स पे करेगा तो चलेगा, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन भरने का जरूरत नहीं है. तो यू हैव टू पे टैक्स बट टैक्स कैन बी पेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग फाइनल रिटर्न, कैंसिलेशन के टाइम पे जरूरत नहीं है. तो डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करेगा तुम्हारा फॉर्म अगर तुम लोगों ने टैक्स पे नहीं किया है तो भी, प्रोवाइडेड तुम लोग को वो फाइनल रिटर्न में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा. पॉइंट नंबर 3, अगर SSC ने फाइनल रिटर्न फाइल नहीं किया तो अगर SSC ने फाइनल रिटर्न फाइल नहीं किया तो डिपार्टमेंट एक नोटिस भेजेगा. नोटिस आने के बाद तुम लोग को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. अगर तुम लोग ने फाइल कर दिया तो मैटर क्लोज हो गया, अगर तुम लोग ने फाइल नहीं किया तो इन दैट केस डिपार्टमेंट असेसमेंट करेगा और असेसमेंट ऑर्डर के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन हो जाएगा. सो अगर तुम लोग ने फाइनल रिटर्न फाइल कर दिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो नोटिस आएगा, नोटिस के बाद फाइल करो, इंटरेस्ट लगेगा. अगर नोटिस आया और फिर भी फाइल नहीं किया तो गवर्नमेंट असेसमेंट करेगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में नॉर्मली केस जाता है. सो दैट इज क्लेरिफिकेशन नंबर 2. फर्स्ट इज अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया तो 30 डेज का टाइम गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकता है. सेकेंड इज कैंसिलेशन के टाइम पे टैक्स भरना जरूरी नहीं है, वो फाइनल रिटर्न के साथ भी पे कर सकते हो. पॉइंट नंबर 3, अगर फाइनल रिटर्न फाइल नहीं किया तो नोटिस आएगा, फाइल करो, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा. अगर नोटिस आया उसके बाद भी फाइल नहीं किया तो असेसमेंट ऑर्डर आएगा और उसके हिसाब से डिटरमाइन होगा. ओके, पेज नंबर 5 पे ITC प्रोविजंस करके है, पेज नंबर 5 के लास्ट में जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया. पेज नंबर 6 पे फेल्स टू फर्निश फाइनल रिटर्न करके हेड पॉइंट है, वो मैंने अभी डिस्कस किया, असेसमेंट ऑर्डर आएगा एंड सो ऑन. और लास्ट पॉइंट है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. अब ये इंपॉर्टेंट है,
मेरे को गवर्नमेंट क्या बोलता है कि सपोज मैंने 1 जनवरी को एप्लीकेशन दिया, तो एप्लीकेशन देने में ऐसा हो सकता है कि डिपार्टमेंट को सपोज कुछ क्वेश्चन पूछना, एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है या रीजन उन लोगों को वैलिड नहीं लग रहा है, तो इन दैट केस आपका कैंसिलेशन इमीडिएट इफेक्ट से नहीं होता है, इट माइट टेक टाइम, 45 डेज, 50 डेज, 60 डेज टाइम जा सकता है। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 1 जनवरी को मैंने अप्लाई किया और फिर बाद में डिपार्टमेंट और मेरे में डिस्प्यूट चल रहा है कि कैंसिलेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इमीडिएट इफेक्ट से होना चाहिए, जो भी है, तो वो पीरियड के लिए मेरे को तो टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज मेरा सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं हुआ है। तो डिपार्टमेंट बोलता है वो केस में हम लोग तुम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर सस्पेंड कर देगा, तो जितने टाइम तक डिस्प्यूट चल रहा है कि कैंसिलेशन वैलिड है या नहीं है, वो टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर सस्पेंड हो जाएगा और सस्पेंशन के पीरियड में ऐसा मानेंगे कि आप लोग अनरजिस्टर्ड पर्सन। हाउएवर सस्पेंशन अगर वैलिड रहा, मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो मैटर क्लोज हो गया। अगर डिपार्टमेंट को लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए, तो जो पीरियड ऑफ सस्पेंशन है वो पीरियड में जो सेल हुआ है उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। सो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का लास्ट पॉइंट मेरे को बोलता है सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या, अगर आप लोग ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो जब तक वो ऑर्डर पास नहीं करता है तब तक तुम लोग का सर्टिफिकेट ऐसा मानेंगे कि कैंसल हो गया, मतलब सस्पेंड हो गया, और ऑर्डर पास हो गया कैंसिलेशन का तो मैटर क्लोज ओवर देयर। अगर उन लोग को लग रहा है कि वैलिड नहीं है तो इन दैट के सस्पेंशन पीरियड में भी तुम लोग को टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। सो सर्कुलर नंबर 69 इज ऑल अबाउट रजिस्ट्रेशन। मेन मेन पॉइंट्स में बता रहा हूं, पॉइंट नंबर 1, 30 डेज में अप्लाई करना चाहिए, बट अगर पॉइंट ऑफ कैंसिलेशन डिफिकल्ट है तो गवर्नमेंट एक्सटेंशन दे सकता है, बट फॉर्म इनकम्प्लीट है और नए कंपनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो एप्लीकेशन रिजेक्ट होने वाला है। पॉइंट नंबर 2, ITC रिवर्स करना पड़ता है, बट कैंसिलेशन के टाइम पर रिवर्स करना जरूरी नहीं है, जब फाइनल रिटर्न फाइल करेगा तब रिवर्स करेगा तो भी चलेगा। पॉइंट नंबर 3, फाइनल रिटर्न फाइल 3 मंथ्स में करना चाहिए, अगर नहीं किया तो इन दैट केस गवर्नमेंट नोटिस भेजेगा, असेसमेंट ऑर्डर आएगा और असेसमेंट कंप्लीट होएगा। पॉइंट नंबर 4, जितना पीरियड के लिए डिस्प्यूट चल रहा है तब तक सस्पेंडेड रहेगा, सस्पेंशन ऑर्डर के बाद जो होएगा वो होएगा। सो दैट इज योर सर्कुलर नंबर 69। थैंक यू।